तीन किसान भाइयों को सुनने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मुझे एक बात याद रह गई कि गजेंद्र सिंह साहब जो अभी हमें एडवाइस भी करने वाले हैं, तो उन्होंने 9 जनवरी 2020 को एक 50 किसानों का जो ग्रुप था उनको एड्रेस किया था। वो ग्रुप था बुचकेवाड़ी विलेज से। तो हमने वो कंसल्टेशन और उनका जो एडवाइस वो किसानों को मिला, उसके बाद हमने वो बुचकेवाड़ी विलेज में जो एक्टिविटीज है, क्लाइमेट स्मार्ट एक्टिविटीज है, वो हमने वहाँ चालू कर दी है। तो आपने वो 9 जनवरी को उनको एड्रेस किया था पूना में। तो अभी हम फोर्थ जो है, चौथा प्रेजेंटेशन है, राहुल रसाड़ जो एक प्रोग्रेसिव किसान है, अहमदनगर जिले में पारनेर तहसील में एक निघोज नाम का गांव है, वो वहां से आते हैं। तो वो उनका अनुभव जो है और वो किस किस्म की खेती करते हैं, मेरे ख्याल से वो जो उनका अनुभव है वो हमारे सामने रखेंगे। रसाड़ साहब तो यस सर, नमस्ते सर। चालू कराते हैं। हाँ नमस्ते सर। अभी मेरे फार्म पे मैं वो एक्टिविटी कर रहा हूँ, और वो फार्मिंग कर रहा हूँ वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरे पास 15-20 एकड़ ग्रेप्स है, 15 एकड़ पोमोग्रेनेट है, और 10 एकड़ विजिटेबल्स रहता है, और वो सीजनेबल उसका विजिटेबल का हम चेंजेस करते हैं। हाँ, तो ये मेरा ग्रेप्स है, ये इलोंगेशन सुपर सोनाका बोल के वराइटीज है। तो ये अभी 7 ईयर का प्लॉट है, इसमें मल्चिंग का भी यूज कर रहे हैं हम, और सब सरफेस इरिगेशन का भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे पास पर्सनल वेदर रोटेशन है। हम टोटल स्प्रे इज प्रिवेंटिव स्प्रे कर रहे हैं, और मैं वो दवा स्प्रे करता हूँ उसके लिए आरओ पानी का इस्तेमाल करता हूँ। इस वजह से मेरा रेसिड्यू लेवल है वो कम आता है, और कम कम से कम पेस्टिसाइड में मेरा फार्म एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसका ए साइज है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का पूरा ब्रिक्स उसका 22 होता है, साइज 16+ होता है। ये एक्सपोर्ट का मेरा थॉमसन वैरायटी का प्लॉट है। ये मेरा 22 इयर्स ओल्ड ग्रेप्स है, ये ताशी गणेश वैरायटी का लास्ट लास्ट ईयर का इसका फोटो है। और ये इसमें हमारा ओस्लरी प्रैक्टिस है, इधर ये बेरी कटिंग किया हुआ है, इसमें हम क्रंचिनेस और पल्प दिखाता हूँ। तो ये हमारा ओस्लरी माइक्रोबियल एक्टिविटी, और हम ओस्लरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें इस वजह से इसको क्रंचिनेस और लस्टर सबसे ज्यादा आ जाता है। ये हमारा एक्सपोर्ट का रेसिड्यू भी यूरोप कंट्री के लिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका साइज होता है 22 mm बेरी साइज होता है, ब्रिक्स उसका 18+ हो जाता है। ये सुपर सोना का यूरो चाइना के लिए मार्केटिंग हो रहा है सर, और ये अभी यूरोप के लिए पैकिंग है। ये पैकिंग भी यूरोप के लिए हम पैक कर रहे हैं। अभी हम सबसे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं हमारा वाटरमैन। ये मेरा वाटर टैंक है मेरे फार्म का, इसमें मैं सॉल्ट दिखाता हूँ इस पे। इस वजह से ये 2000 से 2500 तक उसमें टीडीएस है, और उसका पीएच 8.3 से 8.5 है। और ये हम सबसे ज्यादा काम हम इस पे कर रहे हैं। ये
मेरा सहवाल गाय है 10 मेरे पास, और उसमें मैं उसका स्लरी और काउडंग और यूरिन ये मैं बायोगैस में डाल रहा हूँ, और बायोगैस में एनारोबिक क्लाइमेट में वो मैं लैक्टिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डाइजेस्ट में डाइजेस्टिंग कर रहा हूँ, और डाइजेस्ट होने के कारण उसका पीएच ये 8.3 जाता है, और उसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मैं मेजरली हिस्लरी में ट्राइको विरेल्डी पेसिलो सुडोमोनस मैड्रिज्म इसमें बहुत सारा हमको उसका अच्छा स्ट्रेंथ मिला है, और ये बबलिंग इधर दिखा रहा है, ये इंडिया का पहला स्लरी फर्मेंटर हम बोलते हैं क्या। मैं 6-7 साल से इस फर्मेंटेशन के लिए काम कर रहा हूँ, इसमें ये 10,000 लीटर का टैंक है, ये नीचे से स्लरी ले रहे हैं और हाई प्रेशर से इधर अंदर डाल रहे हैं इसमें, तो ये पूरा 6 दिन में 6 तास एरेशन होने के बाद इसमें 5 PPM डिजोल्व ऑक्सीजन हो जाता है, और ये डिजोल्व ऑक्सीजन के कारण ये हम स्लरी बगीचा में पर एकर 500 लीटर पर एकर हम डाल रहे हैं, और ये मेरा खुद ने मॉडिफाई किया हुआ ये स्लरी टैंक है, इसके पीछे मड पंप है 1440 RPM का, और उसका 5 HP का है, उसका इनलेट और आउटलेट 3 इंच है, तो इस वजह से ये स्लरी सक करके बगीचा में डाल रहे हैं, और ये स्लरी डालने के लिए मैंने डिजाइन किया हुआ टैंक है, और इससे हम पूरा खेती के लिए स्लरी डाल रहा है, इस साइड से हम दोनों साइड से इधर स्लरी स्प्रे कर रहे हैं इस साइड से, तो हमारा पहला ऑर्गेनिक कार्बन मैं खेती करने लगा तब 0.4 था, अभी हमारा ऑर्गेनिक कार्बन 1.9 के अबव है, तो हमको उसमें स्लरी के वजह से उसमें ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा हमको इम्प्रूव मिला, और ये उसमें 0.04 था ऑक्सीजन लेवल स्लरी का, वो हमारा इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, और ये हम वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करें, और साल में एक बार पूरा खेती के लिए हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, और ये मेरा पर्सनल वेदर स्टेशन है, ये इसमें से हमको अगला 10 डेज का प्रिडिक्शन दिखाता है, और मेजरली इसमें लक्स सेंसर है इस साइड से, और ये रेन गेज है, और ये सोलर पैनल है, और इधर ह्यूमिडिटी है, ये इसमें 10 पैरामीटर्स हमको दिखाता है, हम ये 2015 से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरा करंट का फोटो है 6 सितंबर का, तो हमारे उस दिन 50 mm बारिश हुई थी 1 आवर में, तो उसका डेंसिटी हमने इधर निकाला था कितना डेंसिटी है, उसका स्पीड कितना है बारिश का, इस वजह से हम हमारे सॉइल में सॉल्ट वॉश आउट हो रहे क्या उधर रुक जाते, इसके बारे में हम उधर ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये मेरे पूरा मेरे फार्म पे ये सेंसर यूज कर रहे हैं, ये सॉइल पीएच सेंसर है, ये सॉइल ईसी सेंसर है, ये वाटर टीडीएस सेंसर है, वाटर ईसी सेंसर है, पीएच सेंसर है, ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन सेंसर है, लक्स सेंसर है, पीएच सेंसर और ब्रिक्स, और ये इसमें मूवेबल 10 सेंसर है, एयर स्पीड, एयर डायरेक्शन, ईटीसी, और ये मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ इस डेल्टा ग्राफ के लिए, और ये ईटी गेज है, इंडिया का पहला इंपोर्टेड ईटी गेज है, इवापोरेटेड ट्रांसपिरेशन, तो हम इसके वजह से हमारा खेती में 35% वाटर लॉसेस कम हो गए, और इसमें से हमको अभी हम 3,000 लीटर पर डे पर एकर इतना पानी दे रहे हैं ग्रेप्स के लिए, और ये डेल्टा टी क्या, ये डेल्टा टी से हम एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड में हम 35%
हम उसका लॉसेस हमने रिकवर किया। इसमें से अभी मैं एक दिखाना चाहता हूँ, इधर हमारा मिनिमम ह्यूमिडिटी है 45 और टेम्परेचर है 25, तो इधर येलो लाइन में मैच करते हैं हम। 45 ह्यूमिडिटी आने तक हम स्प्रे नहीं लेते, तो ह्यूमिडिटी आने के 45 ह्यूमिडिटी आने के बाद ही हम स्प्रे लेते। तो ये हमारा लास्ट, ये अभी लास्ट पोमोग्रेनेट का ये इमेज है, ये रात का 11 बजे का इमेज है, और इसमें हम पर एकर 200 लीटर पानी स्प्रे करता हूँ। इसका माइक्रोन साइज ये 25 माइक्रोन साइज तक इसकी ड्रॉपलेट साइज है, और ये लिप पे 10 मिनट तक वो दवा हमारा रहता है, वो पूरा सिस्टमिक काम करता है। और इस वजह से हमारा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड और पीजीआर का उसका 35% हमारा खर्चा खर्चा में हमारा बचत हुआ। और ये हमारा करेला का फोटो है, ये भी रात का 9:30 का फोटो है। हम 45 ह्यूमिडिटी आने तक वेट करते हैं, और उतना ह्यूमिडिटी आने के बाद ही हम स्प्रे करते हैं, तो उसमें हमारा पर एकर का एग्जांपल हमने हम स्पिनोसाइड स्प्रे कर रहे हैं, तो कम से कम वो 17-18 100 रुपीस का वो दवा हम पर एकर स्प्रे करते हैं। उसको ह्यूमिडिटी नहीं देखेंगे हम, तो उसका वो 35% लॉस हो जाता है। तो इस वजह से हमारा वो पूरा एक स्प्रे के लिए कम से कम 500 से 700 रुपए लॉस हो जाता है। बस परफेक्ट टाइमिंग देख के हम स्प्रे करेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा हमको उसमें कॉस्ट लॉसेस हम बच जाता है। ये प्रैक्टिस मैं पिछला 10 साल से मैं रात का नाइट स्प्रे करता हूँ। और ये 2006 का फोटो है, ये हमने अंडरग्राउंड ड्रिप डाला है, बेड पे 2 ड्रिप है, और इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर के लिए 1.6 लीटर पर आवर। बेड पे 2 लैडर है और एक बीच में एक अंडरग्राउंड है, कि हम टेस्टिंग के पर्पज से हम ये ओपन करके ये चला के, और इससे मिट्टी से हमने अंडरग्राउंड किया। 2006 में पहला इंडिया में ग्रेप्स के लिए अंडरग्राउंड ड्रिप मेरे फार्म पे मैंने किया हुआ है। अभी मेरे 20 एकर्स ग्रेप्स को पूरा 100% सब सरफेस इरिगेशन है। इसमें हमारा 45% तक हमारा वाटर लॉसेस बच जाता है। तो सबसे ज्यादा ये वाटर लॉसेस से भी हमारा ये माल हार्वेस्टिंग का बाद का फोटो है, ये इंस्टॉल करते समय, और ये हमारा 10 फीट बाय 6 फीट का इसका डिस्टेंस है। तो हम ग्रेप्स में हर स्क्वायर फुट में एक बंच रखते हैं, तो हम पूरा उतना इरिगेशन उतना रूट जोन एक्टिव नहीं करते हर स्क्वायर फुट पे। जनरली हम बाकी फार्मर बस 10 स्क्वायर फुट या 20 स्क्वायर फुट ही एक्टिव करते, तो हम ये इधर 20 स्क्वायर फुट ये बीच में अंडरग्राउंड लैटर से करते, इस साइड का लैटर से 20 स्क्वायर फुट करते, और इस लैटर से 20 स्क्वायर फुट करते, तो हमारा 60 स्क्वायर फुट हमारा पूरा इरिगेशन हो जाता है 60 स्क्वायर फुट पर प्लांट्स में। तो इस वजह से हमारा कम से कम पानी में हमारा यील्ड पर प्लांट 9 से 10 kg हमारा बढ़ गया। और ये हार्वेस्टिंग के टाइम का ग्रेप्स का फोटो है, ये हमारा इतना ट्रेस देते हैं, और ये ट्रेस हम ब्रिक्स बढ़ाने के लिए देते हैं। एक्सिस नाइट्रोजन उसमें से लॉस हो जाता है, और उसमें बेरी अटैचमेंट बढ़ता है। ये सब हम ईटी ऑब्जर्व करके, यूप्रो ट्रांसपिरेशन ऑब्जर्व करके हम इसमें ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, और हमारा हार्वेस्टिंग कीपिंग क्वालिटी उसमें सबसे अच्छा हो जाता है। इसमें कोल्ड स्टोरेज कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम ये इसमें इतना ट्रेस या बाकी मल्चिंग पेपर हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा सॉइल इसी है, ये सॉइल का इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, इसमें से हम इसी कंट्रोलाइज फर्टिगेशन करते हैं। हमारा पूरा सॉइल में 1.5 इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर सॉइल इसी हम यूज करते हैं। और ये हमारा ये
हमारा स्लरी और काऊ डंग का स्लरी है बायोगैस फर्मेंटर करके, इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल हमने बढ़ा लिया है। ये फिल्टर करके हम ये पूरा इसमें फिल्टर करने के बाद ही इसमें सेंसर करते हैं और इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल चेक करके ये हम हमारे फार्म पे हम देते हैं। और ये इधर आरओ प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास 2,500 तक टीडीएस होता है। कोई भी पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट बस ओनली 50% ही रिजल्ट मिल जाता है। तो 50% रिजल्ट मिलने के बाद तो हमको नंबर ऑफ स्प्रे बढ़ जाता है। नंबर ऑफ स्प्रे बढ़ने के बाद हमारा डिटेक्शन लेवल सबसे ज्यादा आ जाता है। तो डिटेक्शन लेवल आने के बाद हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या अभी वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल स्प्रे होने के बाद अभी बहुत सारी दिक्कत आ गई। कॉस्ट लॉसेस भी है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सबसे ज्यादा है। वो हमने वाटर मैनेजमेंट वो आरओ सिस्टम पे हमने रिकवर की। इस साइड ये भी इधर देख रहे हैं तो इधर अंडरग्राउंड ड्रिप है। इधर ये 2006 में अंडरग्राउंड किया हुआ है और ये अभी हमने बीच बीच में वो टेस्ट करते रहते हैं उसका एक्टिविटी कैसा चल रहा है। और ये बाकी हमारा फार्म पे हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है वो हमारा शेयरिंग रहता है। और अभी इसमें भी हम हमारा स्लरी से ट्राइको पेसिलो मैट्रिज्म ये हमारे खुद के स्लरी से हम वो आइसोलेट करके आइडेंटिफाई करके ये हम ग्रो करते हैं। ये मेरे फार्म लैब पे ये इधर शेकर है, इधर बर्नर के आगे से वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं और ये पूरा हम इसका इस्तेमाल हमारे खुद बगीचा के लिए हम करते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर पोमोग्रेनेट का प्लांट है। ये 20 अगस्त को हमने हार्वेस्ट किया था। इसमें पर एकर 10 टन एवरेज साइज था। 300 ग्राम्स के आगे इसका एवरेज साइज था। ऐसा हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है बगीचा में। और सॉरी अभी हमको टाइम लिमिट कम होने के कारण मैंने थोड़ा फास्ट दिखाया कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह थैंक्स मुझे थैंक यू। खेती में मेरे एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए आपने ये चांस दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।